टू माई चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में टोमेटो सूप, जिसे आप डिनर में ले सकते हैं। बहुत ही यमी सूप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंग्रेडिएंट्स की तरफ नजर डालते हैं। हमें चाहिए इसमें मैं चार बड़े टमाटर, मैं दो जन के लिए सूप बना रही हूँ। चार बड़े टमाटर मैंने काट लिए हैं, बड़ा बड़ा ही काटा है। एक पूरी कली लहसुन की। यहाँ पे मेरे पास मसालों में है, ये है अजवाइन, यहाँ पे है भुना हुआ जीरा का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और यह है कस्तूरी मेथी, और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, कैसे बनाएंगे इसे। कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होने पे मैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी टमाटर को फ्राई करने के लिए। अभी इस काम के साथ साथ मैं और एक काम करूंगी, वो है यहाँ पे मैं यहाँ पे लहसुन को चढ़ा दूंगी बर्नर पे, थोड़ा सा बर्न करेंगे इसको। इससे बहुत अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आएगा हमारे सूप में, बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है इसमें। इसको हम थोड़ा हल्का हल्का इसे बर्न करेंगे। ये तो धीरे धीरे पकेगी, तब तक मैं हम चलते हैं हमारे टोमेटो सूप की तरफ, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, आप ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा देसी घी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस थोड़ा हल्का सा हिला लेंगे, तेल हो गया है गरम। अब मैं डालूंगी इसमें ये टमाटर, मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसे ढक दूंगी, ये मीडियम आंच पे ही है। बीच बीच में से थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है, बस इतना ही पकेगा कि ये हल्का नरम हो जाए। अब इसमें अभी भी ये थोड़ा नरम होना बाकी है, मैं फिर से इसे बंद करके रख दे रही हूँ। सूप भी रेडी है, अब मैं इसे धीरे धीरे छील लूंगी। टमाटर एकदम नरम हो गए हैं, अब मैं गैस कर दूंगी बंद। इसी फेज में हमें टमाटर चाहिए थे, मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। टमाटर थोड़े ठंडे हो गए हैं, अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी। और ये वो है लहसुन जो मैंने थोड़ी देर पहले बर्नर के ऊपर थोड़ा सा इसको जला दिया था, ताकि इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ सके। देखिए कितना सुंदर, इसे छिलना भी बहुत आसान हो गया था जलने के बाद। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, हम इसको डायरेक्ट ही ब्लेंडर में इसको डाल देंगे। मैंने टमाटर के साथ ही मैं इसे डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे बस थोड़ा सा पानी, बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें, और मैं इसे करूंगी अभी ब्लेंड। उसी कढ़ाई में ये मेरा ब्लेंड हो चुका है, टमाटर और लहसुन। अभी मैं इसको डालूंगी कढ़ाई में, अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये कढ़ाई मेरी गर्म ही थी, तो ये धीरे धीरे कैसे फूटना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा मसल के यूं हम डालेंगे। फिर डालेंगे ये कस्तूरी मेथी, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और फिर मैं ये डाल दूंगी भुना हुआ जीरा। डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, बट मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, गर्म पानी। ब्लेंडर में जो थोड़ा मिक्सचर बचा हुआ था, मैंने उसी में जस्ट थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं
इसमें डालूंगी। आप अपनी कंसिस्टेंसी जैसे रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पतला खाना पसंद है आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं मेरी मानिए टोमेटो सूप थोड़ा थिक नहीं होता ना तो मजा नहीं आता। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इस पे। ठंडी का सीजन है और रात को ना हमेशा कुछ गरम गरम पीने का मन करता है, तो उस बीच में अगर आप ये टोमेटो सूप बनाते हैं, इतनी इजी टोमेटो सूप, देखिए इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, ज्यादा तामझाम भी नहीं है, बस झटपट बनेगा ये और आप पूरा परिवार बैठ के कंबल ओढ़ के इसे आराम से पी सकते हैं। ये इतना टेस्टी लगता है टोमेटो सूप और हेल्थ तो है ही इसमें। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, पूरा किचन भर गया है इसकी खुशबू से और देखिए कितनी यम्मी भी लग रही है। रेडी है गर्मा गर्म टोमेटो सूप, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए मैंने इसको गार्निशिंग किया है, ऊपर से थोड़े से सफेद तिल मैंने इसमें गार्निश कर दिए हैं। बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत सुंदर क्रंच आएगा इसमें, जरूर ट्राई कीजिए। मुझे बताइएगा कि आपको ये क्विक टोमेटो रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे साथ जुड़े रहिए और ही ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।